Hello guys, welcome to Ronty Kitchen channel. अभी तो फिलहाल चारों ओर से कोरोना वायरस के चलते मैक्सिमम लोग नॉनवेज खाना कम कर चुके हैं, उसी लिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक की तरह स्वादिष्ट लग रहा होगा बिना अंडे की ऑमलेट क्यों ना बना जाए। आज हम बनाएंगे बिना अंडे की ऑमलेट, लेकिन बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई बाजार जैसा नहीं। चीट साइड बनाएंगे, घर में बनाएंगे, जो लोग प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ते बना के डालते हैं। आप खाते तो जानेंगे बिना अंडे की कैसा बनता है, ये विचार सबसे पहले आते हैं, लेकिन घर में ट्राई करेंगे, देखेगा मज़ा आ जाएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बिल्कुल अंडा वाला ऑमलेट की तरह और टेक्सचर भी बिल्कुल वैसा। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए देख लेते हैं। मैदा, बेसन, अनियन, कोरिएंडर, ग्रीन चिली। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा ग्लास लिए हैं, आप चाहें तो बाउल भी ले सकते हैं, इसीलिए हम ग्लास लिए हैं कि फेंटने में इजी है। इसमें हम करीब 4.5 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। अब मैं बेसन डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून, क्योंकि ना ज़्यादा बेसन ना ज़्यादा मैदा है। देन 1 टेबल स्पून ऑनियन फाइनली चॉप्ड, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर लीफ चॉप्ड एंड 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली चॉप्ड। स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ, आप इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, आप चाहे तो कलर के अनुसार दे सकते हैं। इसमें एक पिंच करी बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। सभी ड्राई चीज़ को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, सारे ड्राई चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, एक बैटर तैयार करेंगे। आप इसको 2 मिनट तक मिक्स करते रहे, आप देख सकते हैं काफ़ी झाग आ गया है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं झाग आ गया है और ऑमलेट बनाने के लिए रेडी हो गया है। एक ग्लास ऑमलेट के लिए जैसे रेडी की हूँ, सेम प्रिपरेशन दूसरे ग्लास के लिए भी की हूँ। इसके लिए हम पैन लेंगे, पैन काफ़ी गर्म होना चाहिए। आप इसको फ्लैट प्लेन में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। देखिए, एक चम्मच की सहायता से 1 टेबल स्पून ऑयल लगा देंगे। अच्छे से पैन को गर्म कर लेंगे, मीडियम फ्लेम में हमें रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना है। अभी मैं बैटर डाल रही हूँ, आप चाहते हैं चम्मच की सहायता से राउंड शेप दे सकते हैं। 2 मिनट तक हम इसे नीचे से पकने दें। नीचे पकने के बाद ऊपर से पलटिए। एक चीज़ ध्यान रखिए व्यूअर, आपका नॉनस्टिक पैन में बनाएं, नॉनस्टिक पैन नहीं है तो ये ठीक से नहीं बनेगा। देन 1 मिनट तक कुक कीजिए, जैसे कच्चापन नहीं रहे। देखिए, हमारा ऑमलेट रेडी हो गया है। सेकेंड ऑमलेट प्रिपरेशन भी सेम टाइम कीजिए। आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट हमारा ऑमलेट सॉफ्ट और टेक्सचर एक की तरह आ गया है। तो आप ऐसा बिना अंडे की ऑमलेट टमाटर सॉस या चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप ऐसे घर में बनाएं। हमारा रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट विद सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।